80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50-60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस वन और वन टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कॉन्टेक्ट करें दिए गए नंबर पर। शादीशुदा और बच्चों का बाप होने के बाद भी सदरुद्दीन कर रहा था विकलांग लड़की से शादी। भाई को हुआ शक तो खुल गई धोखेबाज की पोल, कौसा रशीद कंपाउंड की घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। शादी ब्याह के नाम पर धोखाधड़ी, ऐन वक्त पर दुल्हन पक्ष को मजबूर करना, मनमानी, अपनी डिमांड रखना, मांगे करना, आजकल फिर से ये चलन कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है और साथ में शादी के नाम पर ठगी का भी मामला लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार 29 दिसंबर को कौसा रशीद कंपाउंड से सामने आया। यहां पर एक उस्मान अली रहते हैं, उनकी एक बेटी है, हाथ से वो दिव्यांग है, विकलांग है। इस बेटी की शादी में काफी अड़चने थी, अंत में एक रिश्ता उन्हें मिला किसी परिचित सलीम नाम के व्यक्ति से, सदरुद्दीन नाम का जो आदमी उसके साथ रहता था उसके साथ रिश्ते की बात हुई, सब कुछ तय हो गया, मगर सदरुद्दीन की कुछ हरकतें संदेहास्पद थी, शक भरी थी, जिसके चलते इस लड़की के भाई को, अब्दुल वाहिद को शक हुआ। शक होने के बाद उसने कुछ सवालात खड़े किए और उसके बाद सदरुद्दीन का पूरा आगा पीछा खंगाला गया तो पता चला कि भिवंडी में सदरुद्दीन की कहानी कुछ अलग है, वसई में सदरुद्दीन की कहानी कुछ अलग है। ये तो उस विकलांग बच्ची के, उस लड़की के नसीब अच्छे कि शुक्रवार 29 दिसंबर को ही निकाह होना तय पाया था, शादी होना तय पाई, मगर भाई को शक आया और पोल खुल गई। अब पूरा मामला हम आपको सुनाएंगे लड़की के पिता उस्मान अली और उसके भाई वाहिद अली के जुबानी, जो इस सदरुद्दीन को पकड़ करके लाए थे बुमराहपुर। फिर सदरुद्दीन भी क्या कह रहा है, किस तरह से उसकी शादी पहले से हुई है, वसई में बीवी बच्चे हैं, सब कैसी बातें स्वीकार रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब फिलहाल मामला पुलिस में था, पुलिस ने शिकायत दर्ज की या नहीं की क्योंकि इन्हें रुकने के लिए कहा गया था, तो मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते। मेरा नाम सदरुद्दीन अंसारी है। किधर का रहने वाला है? एक खलीलाबाद संत कबीर नगर न, हम मेदावल आनंदौर। यहाँ पर शादी करने आया था? जी हाँ। हाँ, पहले से शादी शुदा है? हाँ। ये बताया था? हाँ? ये चीज़ बताई थी इन लोगों को, मैं पहले से शादी शुदा हूँ? मैं बताया था। किसको बताया था? हाँ, भाई को मैं बताया था। क्या बताए थे? ये देखो मेरी शादी हो गई है। हाँ हाँ, मेरी शादी हो गई है। हाँ, तो मैं बोला, सुनो मैं बता रहा हूँ, बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोला कि भाई मेरी बीवी नहीं है। नहीं है, मर गई है। मर गई है, ऐसा बोल तो। मगर यहाँ बच्चे कितने हैं और औरत किधर रहती है? मेरे यहाँ तीन बच्चे हैं, औरत तो आ रही है अभी। अच्छा, वसई में रहती है। अच्छा, तो साथ में रहता था वहाँ? वहाँ साथ में रहता था आपने, औरत बच्चों के साथ में रहता था? हाँ रहता था, उसके मैं काम वहाँ पे रहता है, श्रीराम नगर। तो फिर झूठ बोल के शादी क्यों कर रहा था? झूठ बोल के शादी क्यों कर रहा था? मैं इसलिए शादी कर रहा था कि 4 साल या 5 साल तलाक हुई थी। किसकी तलाक हुई? मेरे औरत को। तो तूने वो चीज़ इन लोगों को क्यों नहीं बताया, मेरी औरत से तलाक हो गया है और तूने ये नहीं बताया और झूठ बोल के शादी क्यों कर रहा था? एक महीने से जो शादी करने तू आया था, यहाँ घर लिया जा रहा था, तेरे को यतीम बोल के तू यहाँ पर आया था ना, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है ये बोला था ना तूने? हाँ, तो फिर यहाँ पर आया था जब तू शादी करने, तो झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ इसलिए मैं बोला कि हमेशा के लिए
हाँ साथ में रहते हैं लोग के। अच्छा हाँ। तो तुमने अपना सही क्यों नहीं बताया? मैं ये बात मैं शुरू से बोल रहा था कि मैं रहना आप ही लोग के साथ में, हमको रहना है क्योंकि अरे तो तेरे तीन बच्चे हैं, औरत है, वसई में रहता है, हाँ तो उनको छोड़ के तू इधर रहने की बात कर रहा है। तलाकनामा दिखाया इन लोगों को? तलाकनामा हाँ, पर्ची नहीं बनी हुई थी। तो फिर कैसा झूठ बोल के शादी कर रहा था? सुना पहले सलीम कौन लगता है तेरा? हमारे कंपनी में वो काम कर रहा था, वो लोखंड का वो काम करता, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। हाँ तो पान ऐसे झूठ बोल के कितने शादी किया है? ये पहली थी हाँ, और ये दूसरी होने अकेले जा रही थी। तूने इधर आके जब एक महीने से शादी की बात कर रहा था तो इन लोगों को तूने झूठ क्यों बोला? मेरी औरत मर चुकी है, बच्चे भी नहीं है, तू बोला हाँ। तो ऐसा झूठ क्यों बोला अभी? हाँ मैं इसलिए मैं बोला हाँ ये देखो, जब वो बच्चे और लोग को तीनों पाल रही है, सब कुछ कर रही है, तो मेरी बहन है। तो मतलब तू ऐसा शादी कर करके सब लोगों को छोड़ते हुए जाता है? नहीं हाँ नहीं, झूठ बोल के शादी कर रहा था, किसी की जिंदगी खराब कर रहा था? मैं जिंदगी नहीं खराब करता, मैं जिंदगी नहीं खराब करता, जिंदगी गेम है मेरी बहन, हाथ से सब अलग अलग ऐसा ही गेम में फंसा रहा था। मैं क्या बताऊँ, मैं दिल से रो रहा हूँ, बस ये हाल है मेरा, इसने इतना बड़ा धोखा। तो अभी आप लोग मुमरा चौकी आए हैं, तो अभी क्या हुआ इधर? मैं सोच रहा हूँ इसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि आइंदा ये दोबारा। तो अभी आप मुमरा चौकी अंदर लेके गए थे इसको? ये कदम ऐसा ना उठाए इसके साथ में। अभी नहीं लेके गए, अभी लेके जाओगे? भाई क्या नाम है आपका? मेरा उस्मान अली नाम है। उस्मान भाई, ये जैसे अभी आप मुमरा चौकी पे यहाँ आके खड़े हुए हैं और साथ में ये एक शख्स को आपने अपने पकड़ के लेके आए जो आपकी बच्ची से शादी करने वाला था, तो भांजी है, भांजी है आपकी, आपकी भांजी से शादी करने वाला था, आज उसका निकाह था, तो ये पूरा क्या मामला था जो आज इसको निकाह के बजाय आप मुमरा चौकी लेके आए उठा के? मैटर ये था कि इससे बातचीत चल रही थी, एक इसका मेन बॉस है, सलीम नाम है, तो उसी से बातचीत हुआ था रिश्ते का साहब, दो तीन महीने से लगभग बातचीत चल रहा है। अब उसके बाद में ये लड़का जो है आ रहा है जा रहा है, बातचीत कर रहा है, उसके बाद हम लोग बोले जब ये आया तो मोबला भाई निकाह है तुम्हारा जुमा के दिन 3 बजे, तो आप अपने गांव वालों को किसी को दो चार को लाओगे तभी उसके बाद में निकाह होएगा, ये बोला निकाह, तो ये बोला कि हाँ ठीक है मेरे आदमी लोग आ जाएंगे। आप लोग किधर रहते हैं? रशीद कंपाउंड में, अस्मत चौक जी। अच्छा तो जो है इसको हम लोग ऐसा बोले तो कल का बात है, पहले तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं था, मेरे भांजे हैं ये अब्दुल वाहिद, तो इन्हीं के रिलेशन में था वो, जब कल मैं कल जब ये आए बातचीत हो गई तो मैं इनको बोला, रात में बुलाया 2 बजे घर पे बुलाया, मोबला भाई एक आदमी इसका आने वाला था पैसा वैसा लेके शादी कराने के लिए, तो बोला वो आदमी तो आया नहीं, फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो एक काम करो जो है सुबह पहले चलो इसका जो है इंक्वायरी करेंगे कहाँ रहता है क्या है, उसके बाद ही निकाह होगा, पहले नहीं कर सकते जब कोई रिलेशन वाला आ नहीं रहा है। तो रात में हम लोग मीटिंग के गए तो इससे बात किए तो ये बोला कि ये लड़का जो है, ये बोला सलीम भाई आने वाले थे वो आए नहीं, लेकिन मेरा जो है रिलेशन वाले भिमंडी में रहते हैं, बोला ठीक है भाई चलो वहाँ बात कर लेंगे, गांव वाला कोई दो चार रहेगा तो निकाह में शामिल हो जाएगा। ये हिसाब से हम सुबह 8 बजे उठ के जो है भिमंडी गए तो वहाँ पे यहाँ वहाँ रोड पे घुमा रहा है, गली में घुमा रहा है, तो हमारे समझ में नहीं आया तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कर रहा है। तो मतलब ये निकाह आप लोगों ने तय किया, किसके थ्रू निकाह तय हुआ था? ये इसका बॉस है सलीम नाम है। तो सलीम इसका क्या लगता है? और बोलता है मेरा सब कुछ वही है, बाप है भाई है, लेकिन वो जो है सलीम नाम का जो आदमी है वो इसका क्या लगता है अल्लाह बेहतर जाने, उसी के साथ में उसी से बातचीत हो रही थी। तो ये यहाँ मुमरा में ये किधर रहता था? मुमरा में कहीं नहीं रहता था, ये रहता था अहमदनगर में, अहमद से आता था, वहाँ से यहाँ जी जी। और ये देखो उसका नाम भी देख लो, यहाँ पे जो है शमशेर अंसारी लिखा हुआ है और इसमें अंसारी लिखा हुआ है और आधार का और इसमें शमशेर आधार कार्ड में, ये देखो इधर आधार कार्ड में सदरुद्दीन लिखा हुआ है और इसका एक और नाम है कल्लू अंसारी है। तो जब भिमंडी में मैं पहुंचा तब इसका जब इंक्वायरी करने लगा, जब नहीं मालूम पड़ा तो इसका मोबाइल लेके एक नंबर मैंने उस पर कॉल किया तो इसके डायरेक्ट इसके गाँव लग गया। तो गाँव में मैं ऐसे बात बना के बात किया कि भाई वो लड़का है जो अपने भाई का रिश्ता ढूंढ रहा है, मैंने बोला कि ये ढूंढ रहा है अपना, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि इसके 3 लड़के हैं, इसकी औरत है, हम लोगों से बोला कि मेरी औरत मर गई है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, और इसकी औरत बोला गांव में है,
अब मालूम पड़ रहा है कि वसई में इसकी औरत बच्चे सब रह रहे हैं। अब ये दूसरी शादी कर रहा है या तीसरी कर रहा है या चौथी कर रहा है ये हमको पता नहीं है। 4 सिम कार्ड इसके पास है जो हमारे पास है सिम कार्ड वगैरह। हेलो, वसई में इसकी पूरी फैमिली है और आप लोगों को बताया इसकी फैमिली है? हाँ, बताया कि फैमिली नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो है अभी हम लोगों का जो था पूरा हॉल बुक हो गया था शादी का जो है वसई में इसकी पूरी फैमिली थी। हाँ, शादी का डेट इसका फिक्स हो गया था। हॉल हमने बुक किया जो है 20,000 में। 36,000 रुपये हमने डिपॉजिट दिया रूम का। फ्रिज लिया, कूलर, वाशिंग मशीन, कबाट, पलंग, यानी जो कुछ भी दहेज का सामान था सब ला के हम लोग रख दिए। खाने वाले को ऑर्डर दे दिए, हॉल वाले को जो है बुक कर दिए। सारा मसला हमारा ख़राब हो गया। इसका कपड़ा लत्ता दिलाए, सब कुछ दिलाए, अब हमारा जो है पैसा तो बर्बाद हो ही गया। लेकिन मैं सब लोगों से यही जो है निवेदन करूँगा कि जो है कोई जो है जो भी आदमी रिश्ता करे वो अपना सोच समझ के करे, पूरा छानबीन करके करे। अल्लाह ताला हम लोगों को बचा लिया कि निकाह के पहले हमको मालूमात हो गई, नहीं तो अगर निकाह हो जाता तो वो विकलांग है, लड़की जो है माजूर है, हाथ से जो है माजूर है, दोबारा उसका रिश्ता होना मुश्किल था। तो ये जो फ्रॉड कर रहा था मतलब कुछ तो आपको भनक लगी होगी ये फ्रॉड क्यों कर रहा है? हमको लगी जब हमको ये मेरा भांजा बताया अब्दुल वाहिद, तब हमको डाउट हुआ, जब भी हम इसके बारे में छानबीन करने लगे। तो ये जो है 2-3 शादी तो कर ही चुका है। तो ये मतलब एक महीने से जब आपकी बातचीत चल रही थी जब आपने कुछ छानबीन नहीं किया? गाँव में था 1.5 महीना, अभी जब आया गाँव से तब उसके बाद हमको मालूम पड़ा, ये हमको बताया हमारे भांजे। जब तुम शादी की बातचीत कर रहे थे अपनी बहन की तो आपने उस टाइम पूरी मतलब जानकारी नहीं ली? नहीं, जानकारी लिया तो इसने कहा ये मेरे बाप हैं, बाप जैसे हैं, मेरे माँ बाप सलीम नाम है, सब निकल गए तो इनसे ही बात करो, समझो ये मेरे बाप हैं। तो मैं उनसे जब बात करना शुरू किया तो उन्होंने इतना दिलासा और इतना पक्का सबूत दिया कि कोई भी चीज़ हो जाएगा। तो अभी वो सलीम किधर है? सलीम भाई स्विच ऑफ मोबाइल, कई कल से फोन नहीं, रिंग तो बज रहा है, उठा नहीं रहा, रिंग बज रहा भी नहीं उठा रहे। और तो वो सलीम किधर रहता है ये अपने? अहमदनगर। फैब्रिकेशन का काम है वो। तो अब इसको आप लोगों ने सुबह किधर से कल पकड़ा है? कल रात में जब बोला ये मैं कि वो आए नहीं आ रहे हैं तो, ये यही था? हाँ, ये आप लोगों के लिए आया था मेरे साथ। अच्छा, निकाह करने के लिए आप लोग के साथ आ गया था, जो रूम लिए थे वहाँ रुका था। अच्छा, जो रूम लिए थे ये भाड़े पे आपने? हाँ। अच्छा, वो रूम का भाड़े या डिपॉजिट सब आप लोग ने? जी जी, हम लोगों ने दिया। एक तो मेरी बहन का रिश्ता नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो मैंने सोचा कोई विकलांग है तो हम सब कुछ कर लेंगे उसके लिए। बाद में इसको बोला कि बोला मेरे पास पैसा नहीं है, सलीम भाई पैसा लेके आएंगे वो भरेंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी बहन है मेरी तो बहन को लिए कर, बहन के लिए तो करना ही करना है। तो आप लोगों ने अहमदनगर जाके पता लगाया क्या? कुछ नहीं पता नहीं लगाया, ये मेरी गलती है कि मैं वहाँ पता नहीं उनके बात पे विश्वास के आने वाला मुसलमान थे, उन्हें तो जबान का इतना पक्का वादा किया बस विश्वास मुसलमान। मतलब आप जबान पे विश्वास पे आपकी बहन मतलब किसी को बिना जानकारी दिए आप करा के दे रहे हैं? इससे मिला था मैं, इसको देखा तो इसने कहा ये मेरे वालिद है इनसे बात करो। हाँ, ये आने वाले हैं। इससे मैं बार बार मिला था तो मुझे ऐसा शक नहीं हुआ था क्योंकि ये इतना मीठी चुपड़ी बात कर रहा था कि मेरे पास पूरा कुंभा है, मैं सबको साथ में लाऊंगा। फिर आखिरी टाइम में ये किसी को निकाह वाले दिन सब गायब हो गए। निकाह के एक दिन पहले मैं बोला भाई तेरे कहाँ है बाप, आप नहीं है तो चलो ठीक है, तुम जिसको बाप बोल रहे हो सलीम भाई वो आना चाहिए, शमीम ये चचेरा भाई बोल रहा सलीम, शमीम भी नहीं आया उसके साथ। इसका रिकॉर्डिंग बहुत, उसकी भाभी को बात कराया, उसकी भाभी ने बोला मेरा तबीयत सही है मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन बात बराबर कर रही थी और काम भी करने गई है लेकिन आई नहीं। फिर ये बोला मेरे कुछ लोग भिवंडी में है, चलो भिवंडी में चलता हूँ। अभी भिवंडी जब मैं गया इसके साथ बोला था औरत भी मर गई है, औरत यही है वो सही में। जब इसने बोला भिमंडी चलता तो भिमंडी जब मैं इसके साथ गया तो